ठीक है भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिकायत नंबर 19। गौर से सुनेंगे आप, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे भी और समझेंगे भी। दो दुश्मन एक जहाज पर सवार थे, पानी का जहाज। दोनों दुश्मन थे, एक दूसरे के जहाज पर सवार थे। समंदर में तूफान आ गया और जहाज डूबने लगा। सही है, ना खुदा ने मायूस होकर। ना खुदा किसे कहते हैं? जो जहाज का जो वो होता है ना, रखवाला जो चेक कर रहा होता है, वो ऊपर भी बैठा होता है बाज़ औक़ात, सबसे ऊंची जगह पे वो बैठा होता है, क्योंकि उसको देखना होता है हर जगह क्या चीज़ हो रही है। उसको क्या बोलते हैं? ना खुदा। एक होता खुदा, हमारा खुदा होता है ना, एक होता ना खुदा। ना खुदा किसको बोलते हैं? जो पानी के जहाज़ में सबसे ऊपर बैठा होता है और ये देख रहा होता है कि भाई जहाज़ सही जा रहा है या सही नहीं जा रहा। तो दोबारा से पढ़ता हूँ। दो दुश्मन एक जहाज़ पर सवार थे, इत्तेफाक से समंदर में तूफान आ गया और जहाज़ डूबने लगा। ना खुदा ने मायूस होकर लोगों से कहा कि अब जहाज़ के तबाह होने में कोई शक नहीं, सब लोग खुदा को याद करो कि अंजाम बखैर हो। यानी आखिरी मौका है ज़िंदगी का, अल्लाह को याद कर लो ताकि अच्छे तरीके से मर सको। इन दुश्मनों में से एक ने पूछा, अब वो जो दोनों दुश्मन थे ना, उसमें से एक ने पूछा, ये तो बताइए हम दोनों में से पहले कौन डूबेगा? मरना तो बरहक है, लेकिन मुझको इससे बड़ी तसल्ली होगी कि पहले अपने दुश्मन को डूबता हुआ देख लूं। दोनों मर रहे हैं हालांकि, लेकिन जो दुश्मन है वो क्या कह रहा है, पहले ये मरे और मैं इसको देखूं डूबता हुआ, और मुझे उसको डूबता हुआ देखते हैं कि क्या हो, खुशी हो। यानी खुद भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, लेकिन दुश्मन है ना, तो दुश्मन को क्या होता है, यानी मौत के वक्त उसे ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं कलमा पढ़ लूँ, अल्लाह से दुआएं मांग लूँ, गुनाहों से माफ़ी मांग लूँ, ये नहीं आ रहा उसके दिमाग में। तो दुश्मनी जो होती है ना, दुश्मनी नफ़रत, वो आदमी के दिल को सख्त कर देती है। सख्त दिल, सख्त जब हो जाता है तो अल्लाह का खौफ भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मरने का खौफ भी ख़त्म हो जाता है उसको। तो ये देखो, ये आदमी दुश्मन है, क्या बोल रहा है? ये नहीं बोल रहा है कि वह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो गुनाह किया उसको माफ़, ये नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है? ना खुदा से पूछ रहा है, बताओ पहले जहाज़ का कौन सा हिस्सा डूबेगा? ये डूबेगा, मेरी ख्वाहिश है कि ये डूबे और मैं इसको मर्तबा देखूँ ताकि मेरे दिल को खुशी हो। समझ में आ रही बात आपको? तो इसकी इसका जो सबक है वो क्या है? नफ़रत और दुश्मनी, नफ़रत और दुश्मनी में इंसान का दिल बहुत सख्त हो जाता है। बहुत सख्त हो जाता है। उसे खुदा खौफी का भी ख्याल नहीं रहता। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? नफरत और दुश्मनी में इंसान का दिल बहुत सख्त हो जाता है। अब देखो इस कहानी में यही हुआ ना, उसको नफरत है अपने दुश्मन से और दुश्मनी है, मर रहा है, एंड चल रहा है उसका, वो भी मर जाएगा, लेकिन मरते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, दोज़ख से, अज़ाब से पना चालूँ। सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँ, कलमा पढ़ लूँ, इस वक्त भी उसके दिमाग में क्या आ रहा है,
मैं पहले नहीं मरूं, पहले कौन मरे? ये मरे, इसको मैं मरता हुआ देखूंगा तो मुझे क्या होगी? खुशी हो। ठीक है, उतारिए इसको सब बच्चे। चलें भाई, अब हम पढ़ रहे हैं हिकायत नंबर 20। गौर से सुनेंगे आप, ठीक है? इसमें भी मुश्किल लफ्ज आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। एक शख्स घर में बेरोजगारी से तंग आकर सफर को निकला। बेरोजगारी से कहते हैं, उसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो वो निकला है घर से सफ़र करने के लिए। किसी दूसरे शहर जाएगा, फिर तीसरे शहर जाएगा, वहाँ से कुछ कमा के लाएगा। तो बेरोजगारी से तंग आकर सफ़र को निकला और कुतुब साहब के मज़ार पर जाकर मन्नत मानी। कुतुब साहब के मज़ार पे जाके मन्नत मानी, क्या मतलब होता है इस बात का? मन्नत मानना, लोगों का अकीदा होता है कि बाबा के मज़ार पे जाके वो बोलते हैं कि भाई अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने पैसे आपके चंदे के बक्स में डालूंगा, या मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा, या फूल की जो है वो फूल की चादर चढ़ाऊंगा, कपड़े की चादर चढ़ाऊंगा, ऐसे मन्नत मांगते हैं। या यहाँ जो मज़ार पे लोग आए हुए हैं इनको मैं खाना खिलाऊंगा देख पका के। तो वो भी सफ़र पे जाने से पहले कहाँ गया? वो कुतुब साहब के मज़ार पे, मौलाना को बुज़ुर्ग हैं कुतुब साहब, उनके मज़ार पे जाके उसने मन्नत मांगी कि इस सफ़र में जो कुछ हासिल होगा उसमें से आधा आपके मज़ार पे चढ़ाऊंगा। यानी मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए, मुझे काम मिल गया या कोई चीज़ मिल गई या कोई मुनाफा हो गया तो आधा मुनाफा आपके मज़ार पे ला के दे दूँगा। इत्तेफाक से राह में छुआरों और अनारों की एक थैली पड़ी भी मिल गई। जा रहा था, रास्ते में क्या मिल गया? छुआरों की थैली, छुआरे खजूर होते हैं जो, और अनार की थैली मिल गई। उस शख्स ने मज़े से छुआरे और अनार खूब खाए। छुआरे भी खा लिए सारे, अनार भी खा लिए, और छुआरों की गुठलियाँ और अनारों को छिलके वापस लेकर आया और कुतुब साहब के मज़ार पे चढ़ा दिए। क्या चढ़ा दिया? गुठलियाँ और छिलके, और कहा कि या हज़रत, मैंने अपनी मन्नत पूरी कर दी, जो कुछ मुझे मिला था उसका आधा आपकी नज़र कर दिया। तो सही क्या इस आदमी ने या नहीं, गलत किया है? क्या नतीजा निकला इससे? वो गया ये सोच के कि मुझे कोई काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मन्नत मानी उसने पहले मज़ार पे जाके कि भाई मैं जा रहा हूँ, अगर जो मुझे मुनाफा और फ़ायदा होगा वो आधा मुनाफा और आधा फ़ायदा ला के आपकी मज़ार पे ख़र्च कर दूँगा, लोगों को खाना खिलाने में और उसमें। अच्छा, वो गया, रास्ते में उसे क्या मिला? छुआरे मिले और अनार की थैली मिली। तो उसने मज़े से क्या बैठ के खाए? छुआरे। खाने के उसको क्या चाहिए था? आधे छुआरे और आधे अनार, अलग करता और ला के कहाँ बांट देता? मज़ार पे जो लोग बैठे हैं भूखे उनको दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने क्या करा? छुआरे सारे खा लिए, अनार सारे खा लिए, और जो गुठलियाँ बची हैं और जो छिलके बचे उसको लपेट के ले आया और बोला, भाई ये लो, मैंने मन्नत मानी थी कि आधी चीज़ आपको दूंगा तो आधी मैंने खा ली और आधी ये लें। तो इससे नतीजा क्या निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि बेईमान आदमी, ये बेईमान आदमी है, नहीं ऐसे डालनी है हिकायत नंबर 20 और फिर लिखना है। तो बेईमान आदमी अल्लाह के साथ भी धोखा करता है, सही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, जैसे देखो अब एक आदमी है वो घड़ियाँ बेचता है। क्या बेचता है? घड़ियाँ।
बाजार से खरीद के लाता है 100 रुपए की, और यकीनन उसको फ़ायदा तो कमाना है, तो 100 रुपए की ख़रीद के लाया और ला के बेचेगा 150 रुपए की, मिसाल है, तो 50 रुपए उसका मुनाफा है भाई, उसी के लिए तो काम कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है, ये भी कहानी है, ये भी एक छोटी सी कहानी है, इसको भी सुन लें। लाता ख़रीद के 100 रुपए की, और घर में आके बीवी को कहता है, बीवी ये तुम मुझसे ख़रीद लो 150 की। बीवी बोलती है, अच्छा लाओ ठीक है 150 रुपए की मैं ख़रीद लेती हूँ। और दूसरे दिन सुबह उठ के बीवी से कहता है, ये 500 रुपए की मुझे भेज दो। कितने की भेज दो? 500 की बीवी से ख़रीद ली। अब जुमा बाज़ार में जाके वो बोलता है, भाई ये 600 की है। वो बोलता है, यार 600 की? बोला, भाई अल्लाह की कसम 500 की मेरी ख़रीद है। कसम खा रहा है, क्या बोल रहा है, 500 की तो मैंने खुद ख़रीदी है। हालांकि उसने ख़रीदी कितने की है वहाँ से? 100 रुपए की। लेकिन उसने ऐसा चक्कर चलाया, बीवी से ख़रीद ली, बीवी को पहले बेची और बीवी से दूसरे दिन 500 की ख़रीद ली, और अब कसम खा के क्या बोल रहा है, अल्लाह की कसम मैंने तो 500 की खुद ख़रीदी, अब 600 की बेच रहा हूँ। तो ये जो बेईमान आदमी है, आदमी कौन है ये बेईमान आदमी अल्लाह का नाम लेके भी क्या करता है, धोखा देता है, अल्लाह के नाम पे भी धोखा करता है, वो अंदर से खुद बेईमान है। तो जो बेईमान होगा उसको धोखा करने में, धोखा देने में कोई खौफ नहीं आएगा, वो अल्लाह से डरेगा नहीं। उतार लिया सब बच्चों ने? अच्छा भाई, अब हम जो है वो इसी की हिकायत नंबर 21 पढ़ेंगे। ठीक है, हिकायत नंबर 21 क्या है, गौर से सुने सब बच्चे। एक लड़का छोटी सी उम्र में, बच्चा था अभी वो, अपने स्कूल से किसी बच्चे के रंग का पैकेट चुरा के ले आया, कलर बॉक्स। एक लड़का छोटी सी उम्र में अपने स्कूल में पढ़ने के दौरान किसी दूसरे बच्चे का कलर बॉक्स चुरा के ले आया। उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं बोला। इस तरह से उसकी आदत बिगड़ गई और वो रोज़ कुछ ना कुछ चोरी करना शुरू हो गया, और बड़ा होकर शातिर और बहुत चालाक चोर बन गया। छोटा था, चोरियां करता था, उसकी अम्मा ने कुछ बोला नहीं, उसको आदत पड़ गई है। जब वो बड़ा हुआ तो वो क्या बन गया, चोर बन गया। कई मर्तबा कैद हुआ, यानी पुलिस ने भी उसको पकड़ा, कई बार डंडे खाए लेकिन बाज ना आया। आखिर को जज साहब ने उसको चोरी, खजाने की चोरी के सिलसिले में फांसी का हुक्म दे दिया। भाई इसने बहुत चोरियां कर ली हैं, हम तंग आ गए हैं, अब इसको क्या कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ाया गया, अब उसको लेके गए फांसी पे चढ़ाने के लिए, तो उसने जज साहब से दरख्वास्त की कि मैं अपनी माँ के कान में एक बात कहनी चाहता हूँ। उसने बोला, भाई मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं अपनी अम्मा से कुछ। ठीक है भाई, एक लड़का छोटी सी उम्र में स्कूल से अपने दोस्तों के कलर बॉक्स चुरा के ले आया। उसकी माँ ने उसको कुछ नहीं बोला। इस तरह से उसकी आदत बिगड़ती चली गई और बड़ा होकर वो क्या बन गया, बहुत चालाक अय्यार चोर बन गया। कई मर्तबा कैद हुआ, डंडे भी खाए, फिर बाज नहीं आया। आखिर को हाकिम ने उसको बादशाह के खजाने की चोरी में फांसी का हुक्म दे दिया, यानी बाद में उसे बड़े खजाने की चोरी कर ली और वहाँ उसको फांसी का हुक्म दिया। जब वो फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया तो उसने जज से दरख्वास्त की कि मैं अपनी माँ के कान में एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो जज ने इजाज़त दे दी, तो वो उसने अपनी माँ के कान के पास मुँह ले जाकर उसका कान उतर लिया, कान काट लिया। माँ चिल्लाती और हाय हाय करती अलग भागी। लोगों ने भी लानत मलामत की कि कमबख्त
तू मरते मरते भी शरारत से बाज नहीं आया और अपनी माँ का कान काट लिया। उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया और से सुने, साहेबो ये मेरी वही माँ है जिसकी वजह से आज मैं इस दर्जे को पहुँचा हूँ। अगर ये शुरू से मुझको मार पीट के चोरी से रोकती तो मैं आज चोर नहीं बनता। देखा आपने क्या बोला उसने, यानी मैंने जो चोरी की थी, चोरी पर मुझे किसी ने रोका नहीं, डांटा नहीं, डपटा नहीं, इस वजह से मैं क्या बन गया, चोर बन गया। ठीक है, इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये है, बच्चों को अच्छी तरबियत देना माँ बाप का काम होता है। बच्चों को अच्छी तरबियत देना माँ बाप का काम होता है। ठीक है, चलिए उतार ले इसको जल्दी से।